हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुहन सिंह एंड टुडे आई विल स्टार्ट फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन एंड द राइटर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सी ऑन द पेज, दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चॉइसेस दैट सेव्स अस। देखिए, जो ये कविता है, जो एक वेल नोन पोयम है, ये सही वस्तु का चुनाव करने के बारे में है और सही चुनाव या चयन हमारे लाइफ या जीवन को बदल देता है, सेव्स अस, मतलब उसे आकार देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जो छोटे छोटे अनुभवों को सामान्य ढंग से लेकिन सिग्निफिकेंट तरीके से कविता में लिखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोयम। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा, टू रूट्स डाइवर्ट्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब देखिए, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वर्ड मैं बता रहा हूँ फर्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन से, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब दो अलग अलग दिशाओं में जाना, ठीक है ना, यानी कि सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। येलो वुड का मतलब यहाँ पर जो है जंगल से है, उस जंगल से जिसमें पतझड़ की ऋतु के कारण पत्तियां पीली हो गई हैं, और बेंट का मतलब है मुड़ी हुई, और अंडरग्रोथ का मतलब है झाड़ियाँ, ठीक है ना, छोटे छोटे, ठीक है ना, झाड़ियों से मतलब है। तो देखिए इसका मीनिंग, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई सॉरी कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब देखो, पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, ठीक है ना, दो सड़कें थी अलग अलग दिशाओं में फट रही थी, लेकिन पोइट कह रहा है कि मेरे लिए ये खेत की बात है, कह रहा है, ठीक ना, एंड सॉरी कह रहा है ना, तो सॉरी का मतलब खेत की बात है कि मैं एक अकेला यात्री था और दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। और पोइट कहता है कि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, फिर मैंने एक सड़क की ओर देखा और जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी वहाँ तक मैंने देखा, कह रहा है, ठीक है ना, और फिर कह रहा है कि मैंने देखा कि पौधों और झाड़ियों के झुरमुट में, यानी कि झाड़ियों में जो है जो रोड है वो गायब हो गई थी, यानी कि वहाँ से आगे वो दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, और स्टेंजा नंबर टू है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब यहाँ पर फेयर का मतलब है उचित, ठीक है ना, और बेटर क्लेम का है ज्यादा अच्छा। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि फिर मैंने दूसरी सड़क पर चल पड़ा, यह उतनी ही उपयुक्त थी और शायद ज्यादा ठीक भी थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब यहाँ पर देखिए, वॉन्टेड वियर का मतलब है उस रास्ते पर अधिक यात्री नहीं गए थे, इसलिए वॉन्टेड वियर लिखा गया। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी और वह अधिक उपयोग में नहीं आई थी, दो As for that, the passing there had worn them really about the same. और वहाँ से गुजरने हुए जो राहगीर थे, passing there का मतलब है जो आने जाने वाले लोग थे, उनके द्वारा दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग किया गया था। अब थर्ड स्टेंजा देखिए, And both the morning equally lay the leaf, no step had trodden black. अब यहाँ पर देखिए, ले इन लीव्स का मतलब है पत्तियों से ढकी हुई। तो उस दिन प्रातः हुए दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी, ठीक है ना, और उन पर किसी भी यात्री के कदम नहीं पड़े हुए थे, क्योंकि कुछ अगर चले होते तो क्या होते, कुछ ले जाते और काले हो जाते कुचल करके पत्ते, ठीक है ना, तो कोई भी नहीं चला था और उन्हें कुचल कर काले भी नहीं हुए थे, ठीक है ना, यदि कोई चला होता तो कुचल के काले हो जाते पत्ते, ठीक है। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पर अनदर डे का मतलब उसका जो है अगले जन्म से, इस जन्म से नहीं है, ठीक है ना, नेक्स्ट बॉर्न, यानी कि अगले दिन, ठीक है। यट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड कम एवर कम बैक। अब इसका मीनिंग देखिए, फिर पोएट कह रहा है कि मैंने सोचा कि जो पहली सड़क है उस पर मैं किसी और दिन या फिर किसी
अन्य जन्मों में यात्रा करूंगा, यह जानते हुए भी कि एक मार्ग दूसरे मार्ग में मिल जाता है। कैसे मिलता है एक मार्ग दूसरे मार्ग, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ठीक है ना, जहां से शुरू हो वहीं पहुंचोगे, इसलिए वो कह रहा है कि एक मार्ग दूसरे मार्ग में मिल जाता है। यह मैं जानता था, फिर भी मैं असमंजस में था कि क्या मैं कभी उस रास्ते पर वापस आ पाऊंगा, यानी कि डाउट था उसे, ठीक है ना। लास्ट स्टैंजा देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। अब यहाँ पर विद अ साय का मतलब है बहुत दुख के साथ, सम एजेस एंड एजेस हेंस। अब पोएट कह रहा है कि मैं बहुत ही लंबी अवधि के पश्चात, एजेज, ठीक है ना, एजेज एंड एजेज, भविष्य में बड़े दुखी हृदय से कहूंगा कि टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो वो कह रहा है कि मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि एक जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, मैंने वह सड़क पकड़ी जिस पर कम लोग चले थे, अर्थात वह आम रास्ता नहीं था। उस पर यात्रा करने के बाद मेरा जो जीवन था उस पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया। यदि हम सही विकल्प चुनते हैं तो भविष्य में पश्चाताप नहीं चुनते यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते तो भविष्य में पश्चाताप भी करना पड़ता है। सो दिस इज द पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।